अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर जुनेद बैंगलोर से हिजामा वेलनेस सेंटर सीईओ फाउंडर प्रेसिडेंट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ होलिस्टिक प्रैक्टिशनर्स एंड रेफरेंस और रिसोर्स पर्सन ऑफ इंस्टीट्यूट हिजामा एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। मैं शुक्रगुजार हूँ आमिर साहब का जो उन्होंने मौका दिया मुझे हैदराबाद आने का। इनके ऑफिस में देख सकते हैं आप QAANS, बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है इनका। ये माशाल्लाह यहाँ पे जो है लाइफ स्किल के क्लासेस चलाते हैं, मोटिवेशनल क्लासेस चलाते हैं, पुरानिक लिटरेचर, पुरानिक आयात और पुरानिक ट्रांसलेशन, जहां तक मैं समझ सकता हूँ और पढ़ा हूँ, उसके क्लासेस चलाते हैं। और मैं इनका बहुत कुछ आभारी हूँ, इन्होंने मुझे जो है मुफ्त में ये चीज दी है। सो थैंक यू वेरी मच सर। मुफ्त में नहीं दिया हमें आपको, कोई बोला है आपके जो है ना जो स्किल्स हैं जो यहाँ पे मैनिफेस्ट करे, जो अब तक यहाँ पे कोई ऐसा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज नहीं हुआ जो फायर कपिंग, मेरी दिल से ख्वाहिश थी शुरू से। हम एज ए फेसबुक फ्रेंड फ्रेंडशिप अपनी फेसबुक पे शुरू हुई ए ईयर बैक, एंड मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आपके आइडियोलॉजी से और जो साहब के जो एथिक्स है, जो प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं आप वो लेवल पे, चाहे वो शुद्ध प्रोडक्ट्स हो या उनके हिजामा की ट्रेनिंग हो या जो जो भी है फायर कपिंग के वर्कशॉप्स आल इंडिया लेवल पे हो रहे हैं। तो मेरी एक ज़माने से ख्वाहिश थी, जब ये इंस्टीट्यूट नहीं था, जब भी जो उसमें इन्वाइट किया था कहीं आप यहाँ ऑर्गेनाइज किए तो बोले कि आप लोग कहीं ये करें, तो उस वक्त इंस्टीट्यूट नहीं था। जब इंस्टीट्यूट इस्टैब्लिश हुआ तो जैसा ही मैं बोला जुनेद साहब अलहमदुल्ला तैयार हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो मेरा शुक्र कर रहे हैं सर, एक्चुअली मैं उनका शुक्र गुजार हूँ, वो उनके लेवल मेरा कोई इंस्टीट्यूट ऐसा हाई फाई नहीं है, मामूली का छोटा इंस्टीट्यूट आपके लेवल में बहुत कम है, वो यहाँ तक आए हैं वो मेरे लिए खुशनसीब भी है अलहमदुल्ला, अल्लाह का शुक्र है। और मैं माफ़ी चाहूँगा जुनेद साहब से भी और सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हो सकता है कोई मेरी वजह से मेरे इंस्टीट्यूट में गलती नहीं हुई है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमने हर स्टूडेंट को बहुत बेहतरीन से जो है पेश आया है। ये हैदराबाद की नवाबी खानदानी आदत है, पूरा करने के बाद बोलेंगे कहीं तक कहीं हमारा कोई गलती हो गया तो माफ करो ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोशिश की है कि गलती ना करें। नहीं गलती नहीं हुई है, गलती नहीं हुई है, लेकिन सर किसी से भी नहीं हुई है, ना इनसे हुई है, ना हमारे से हुई, ना स्टूडेंट से हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और स्पेशली मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, अब तक मेरा अकेले का था, लेकिन अब सारे आज जितने भी 27 पार्टिसिपेंट जो थे उनका जो सो इरादा, उनका जो सो मंशा ये था, उनकी ख्वाहिश ये थी जुनेद साहब से डायरेक्टली, हालांकि वो घर से भी बोले, आप खुद रिक्वेस्ट करिए कि हिजामा की ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू करें, जरूर इंशाल्लाह। वेट कपिंग स्पेशली वाला प्रोग्राम है कि जो उसमें कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया आप, तो मैं नहीं बोल सकता, जुनेद साहब से मुझे तो बोले हमारा पैगाम जुनेद साहब तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह, जरूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनेद है, मैं हैदराबाद में हूँ, QAANS वेयर प्रोफेशनल कैलिब्रेट अमीर भाई के ऑफिस में, जिसमें जो है फायर कपिंग का वर्कशॉप रखा गया सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। मेरे साथ मिर्जा साहब हैं, उसका पूरा नाम सर? मेरा नाम नवीन अहमद मिर्जा है जी, मैं प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ, माशाल्लाह मुबारक। और मैं मिर्जा साहब से ये पूछना चाहूंगा, आज जो वर्कशॉप हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? ये जो वर्कशॉप होने से तो जैसा कि हम कल तो यहाँ था कि मसाज से मुझे पेन रिलीव होगा जी सर, ये भी एक तरीका है जिसमें नेगेटिव वजह के लिए पेन को रिलीव कर सकते हैं बिल्कुल। और माशा से जो जुनेद साहब ने जो जिस अंदाज से सिखाया ये वर्कशॉप, इसमें फायर कपिंग इतना आसान करने वाला है मसाला से, कि जब ये समझा रहे थे कि ऐसा दिखा था कि ये बड़ी चीज़ है जी सर जी,
बहुत शुक्रिया कर रहे हैं कि जुबान साहब ने बहुत बहुत अच्छी तरह वर्कशॉप लिए और आमिर भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि ये एक होम लेवल बेसिस पे हर किसी को एक बेसिक नॉलेज आना चाहिए। ये ऐसे पेरेंट्स के लिए जो डॉक्टर पास के पास जाएंगे क्वालिफाई लेते हैं, हाँ, या तो पेंशन लेते हैं, डॉक्टर पास जाएंगे जो नहीं बढ़ती अमीर भाई ने जो है पूरा माशाल्लाह ऑर्गेनाइज किया फायर कपिंग वन डे सर्टिफिकेशन कोर्स। हम बैंगलोर से आए और मेरे साथ डॉक्टर तफकीम है ना जी। फरमाइए सर, आपको वर्कशॉप के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या सही करना है, क्या करना है? पहले तो मैं अल्लाह को रिजल्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि अटेंड करने का प्रोग्राम आमिर भाई की मेहनत की वजह से, और डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एक पुरानी थेरेपी थी जो जो बताया हमको ऐसा शुएब अलैहिस्सलाम के ज़माने से, यानी ऑलमोस्ट 1500 बीसी थी, 1550 बीसी की जो थेरेपी है वो आज छुप गई है। उसको मास लेवल पे लेके आने की, पब्लिक को एजुकेट करने की, यानी हाउस वाइफ्स को एजुकेट करने की जो सर की जो कोशिश है वो बहुत फैसिनेटिंग है। ये होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक मतलब एक ट्रीटमेंट को जो बगैर केमिकल्स और सेफेस्ट वे में लेके जाने का जो तरीका है, और उसको एक ऐसे नहीं ब्लंट तरीके से, उसको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हुए आहिस्ता आहिस्ता तरकीब करके स्टोरी एंड स्टडी, और एक एक स्टेप को बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन किया गया। हम लोग को वीडियो रिकॉर्ड करने की प्रैक्टिकली यहाँ पर सुविधा दी गई, पॉसिबिलिटी वॉज गिवन। सो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी जो एजुकेटेड थे, नॉन एजुकेटेड थे, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठाए इसे। और मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि हिजामा एक इतनी ब्यूटीफुल साइंस है, इतनी ब्यूटीफुल लॉजिक और होलिस्टिक अप्रोच इसमें छुपा हुआ है। उसके कई ब्रांचेस है जिसमें फायर कपिंग एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है। इसमें सबसे मुझे फैसिनेटिंग जो दिखा वो आप घर बैठे फैट बर्निंग भी कर सकते हैं, पेन रिमूवल भी कर सकते हैं, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब हुआ डॉक्टर जुनेश सर जो बैंगलोर से हैं, उनका खुद हिजामा सेंटर है, पूरे पैन इंडिया पे वो एक मुहिम जो है एक इसको लेके जाने के लिए आगे बढ़ने के लिए, और ये होना चाहिए बिकॉज जो जो फार्मेसी के जो ड्रग्स की जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत खतरनाक है। नाइस जो गोली है वो कभी का बैन होती है, ऐसे कई गोलियां हैं जो बैन हो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप सुने अगर पैंटाप्रोजोल पैन डी एंड फॉरगेटिंग देन मैंने रैंटैक जो बैन हुई, रैनिटिडिन बैन हुई, वो इसलिए कि यहाँ पर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है। अगर ऐसी चीज़ें अगर हम होलिस्टिक अप्रोच पर लेकर आता, यानी देर आर मेनी वेज, ये एक मतलब तो ब्रांच है और बहुत ही फैसिनेटिंग ब्रांच है, हदीस से साबित है, सुन्नत से साबित है। इसके अलावा मेरे पास बर्ड्स कम पड़ रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। डॉक्टर जुनेश साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज कीप कमिंग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम दिस वर्कशॉप सर? टेक अवे में सर ये देखना चाहूँ, आपकी जो नीयत है कि इसको बहुत आम करना, ये अगर हर कोई आपके स्टूडेंट्स आप जैसे चंद लोग और पैदा हो गए, ये इट शुड बी लाइक न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा होना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल होगा, वरना कोशिश है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर द वंडरफुल वर्ड यू हैव चूजन एंड टोल्ड अस वेरी काइंड वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। रेडी, हेलो, दिस इज डॉक्टर जुनैद इन हैदराबाद इन KAANS वेयर प्रोफेशनल्स कैलिब्रेट। अलोंग विद मी इज हाजिरा मैम हु हैज रजिस्टर्ड हरसेल्फ इन आवर फायर वर्कशॉप। प्लीज मैम, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट टुडेज वर्कशॉप? It was a wonderful workshop and it was my first workshop with Dr. Janay. And firstly, I would thank you for coming to Hyderabad and one promise from you that you will keep on coming. Inshallah, I will try. It was a beautiful class. Sab cheez jo bhi class mein sikhayi gayi thi was one-on-one. Everything was taught in a very beautiful manner and a lovely manner where you could learn it very easily. Aur fire cupping, jaise sunne mein aata tha, it was so tough. I didn't find it tough because he taught it in a very simple way. So I would suggest this class to all the housewives and all non-professional doctors also, because it is very pain-relieving class and it is like you can get pain relief in your house.
with very few like glass cups and all things. So these things were like very informative, sir. Thank you so much. What is your takeaway from the workshop, man? Lot of knowledge. And last, any comment? I would say it was wonderful. Alhamdulillah. Thank you very much. So kind of you. May Allah bless you. Ameen. Thank you. Hello. Assalamu alaikum. This is Dr. Junaid from Bangalore, Hijama Wellness Center. Presently today in Hyderabad, QAANS, where professional calibrate के अंदर आज fire cupping का workshop हुआ, जिसके अंदर हमारे साथ प्रसाद भाई हैं. Sir, please in your local language tell what you found in the workshop. First of all, thank you for sir. Thank you, sir. ఫైర్ కప్ లాస్ట్ టైం మేము వేరే అటెండ్ అయ్యాము, కానీ వాళ్ళు చెప్పిన దానికి ఇక్కడ చెప్పిన దానికి చాలా డిఫరెంట్ ఉందన్నమాట. ఈజీ మెథడ్లో అంటే అప్పుడు వాళ్ళు మాకు చెప్పింది ఏంటంటే ఫైర్ తీసుకొని అలా 1-2 seconds ఉండాలి, తర్వాత పెట్టాలి అని చెప్పారు. నాట్ ఆఫ్ అది కొంచెం ఫైర్ బర్న్ కూడా అయింది బాడీ, అందుకని నేను దాన్ని పక్కన పెట్టాం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఈజీ మెథడ్, అది ఫైర్ని ఎలా ఈజీగా మూవ్ చేయాలి, ఫైర్ కప్ ఎలా ఫైర్లోకి ఎలా తీసుకోవాలి ఈజీగా, ఎంత ఫాస్ట్గా ఈజీనెస్గా పెట్టాలనేది మేము చాలా ఈజీ టెక్నిక్స్ తెలుసుకున్నాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సార్ సూపర్ సార్ ఎక్సలెంట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.